आज से ही नवरात्रि प्रारंभ हो चुकी है और आप सभी को तहे दिल से हैप्पी नवरात्रि। आपके और आपकी फैमिली पे माँ दुर्गा की कृपया हमेशा बनी रहे, आप सुख शांति से रहें, ऐसी मेरी दिल से चाह है और दुआ भी है। दोस्तों, नवरात्रि के टाइम पे जो भी स्त्री पुरुष नवरात्रि करते हैं वो बिल्कुल भी केमिकल भरी चीज़ों को यूज़ नहीं कर सकते, या तो शैम्पू या फिर बॉडी वॉश, फेस वॉश, सोप, जो भी कह लो, कुछ यूज़ नहीं कर सकते। ऐसे में कुछ घरेलू चीज़ें से हम अपने स्किन का और हेयर का केयर कर सकते हैं। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे एक उपटन के लिए पाउडर तैयार करेंगे जिसे हम फेस और बॉडी पे दोनों पे ही यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक बड़ा चम्मच रोज़ पेटल पाउडर ले लिया है, पोमोग्रेनेट जो आती है अनार के दाने उसके एक बड़ा चम्मच पाउडर ले लिया है मैंने, यहाँ पे ऑरेंज का एक बड़ा चम्मच पाउडर ले लिया है मैंने, और यहाँ पे मैं नींबू के पाउडर ले रही हूँ। देखिए, यहाँ पे मैं जो छिलके होते हैं ना, पील होते हैं ना, उसका पाउडर नहीं ले रही हूँ, जो एग्जैक्ट चीज़ होती है उसी की पाउडर ले रही हूँ। ठीक है, नींबू का एक चम्मच मैंने ले लिया है पाउडर, यहाँ पे बेसन एक चम्मच ले लिया है मैंने, और यहाँ पे चावल का आटा मैंने ले लिया है एक बड़ा चम्मच, यहाँ पे छोटे चम्मच से एक चम्मच चीनी का पाउडर हमने ले लिया है, ये स्क्रब का काम करेगा मैंने, बट पाउडर लिया है, चीनी नहीं लिया है, ठीक है ना। और यहाँ पे एक बड़ा चम्मच हमने गेहूं का आटा ले लिया है। देखिए, मैं आगे बताऊंगी अगर सारी चीज़ें आपके पास नहीं है तो आप क्या करेंगे, क्या लेंगे, कैसे यूज़ करेंगे। यहाँ पर मैं दो चम्मच, छोटे चम्मच से दो चम्मच अम्बा हल्दी ले रही हूँ, ये स्किन के लिए काफ़ी बेहतरीन होता है, और यहाँ पर तुलसी ले रही हूँ, तुलसी का पाउडर, ये उनके लिए जिनके स्किन में एक्ने का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होता है तो ये कंपल्सरी इसे डालेंगे ही डालेंगे, ताकि ये 9 डेज में आपके चेहरे में ना कोई पिंपल हो और ना ही पिंपल की दाग हो। सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिला के एक एयर टाइट कंटेनर में शिफ्ट कर लेंगे। ये कम से कम 3 से 4 दिनों के लिए, अगर आप पूरे बॉडी के लिए यूज़ करेंगे तो 3 से 4 दिनों के लिए बन चुकी है, सिर्फ फेस के लिए यूज़ करेंगे तो 9 डेज के लिए बन चुकी है, पर इसे आपको पूरी बॉडी के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपके पास सारी चीज़ें नहीं हैं तो मेन बेसिक सी चीज़ें आप लेंगे, एक बड़ा चम्मच आटा, एक बड़ा चम्मच चावल का आटा, चीनी, बेसन, सारी चीज़ें एक बड़े बड़े चम्मच लेंगे आप, और साथ ही मसूर का दाल एक बड़ा चम्मच आप ले लोगे। इन सभी को ना आप साबुत लेना, और गेहूं के आटे को छोड़ के चीनी साबुत, चावल साबुत, मसूर के दाल साबुत, और बेसन जैसे होता है आप बेसन ले लेंगे, चने की दाल की यूज़ ना करें क्योंकि वो बहुत दर्दरी हो जाएगी। ठीक है, तो आप बेसन ले लीजिएगा, और जब ऐसा पाउडर आप बना के रख लोगे तो इसे आप दही और रोज़ वाटर से मिक्स करके लगा सकते हो, कच्चे दूध से आप मिलाकर लगा सकते हो, आपकी स्किन में जो सूट हो उससे आप इस पेस्ट को बनाएंगे और अप्लाई करेंगे। सुबह शाम दोनों टाइम आपको करना है। इस फेस मास्क से ना आपकी स्किन में जितनी एक्स्ट्रा ऑयल आती है ना सारे रिमूव होंगे, आपकी स्किन साफ होगी, ग्लो करेगी। जो सोप या फेस वॉश काम नहीं देती है ना, वो सारे चमत्कार आपको इस फेस मास्क से, इस उपटन से आपको मिलेगी, अलग से एक चमक आएगी आपकी पूरी बॉडी में। आप इस्तेमाल करके देखें, एक दिन में 2 बार यूज़ करें, उसी दिन आपको रिजल्ट मिल जाएगी, आपको 9 डेज का वेट करने की भी ज़रूरत नहीं। और जैसे कि हम सोप वगैरह यूज़ नहीं कर सकते तो ये बेस्ट ऑप्शन है, और अगर सारे पाउडर्स नहीं है तो जो नहीं है स्किप करें, जो जो है उसको ऐड करें। ठीक है, तुलसी का पाउडर नहीं है, नीम का है तो आप नीम का यूज़ कर लेंगे, दोनों ही बहुत ही कारगर होती है पिंपल्स के लिए। ठीक है ना दोस्तों, लगाने के बाद 20 मिनट रुकिएगा, उसके बाद ठंडे पानी से आप धो लीजिएगा। और 2 टाइम लगा रहे हो तो एक बार ही आप थोड़े देर के लिए रखेंगे 20 मिनट तक, दूसरे टाइम आप लगाओगे और मलते हुए आप वॉश कर लोगे। यहाँ पे चलिए हम हेयर के लिए, हेयर वॉश के लिए शैम्पू बना लेते हैं हम, क्योंकि हम शैम्पू का यूज़ नहीं करेंगे। तो यहाँ पे सिका का पाउडर ली हूँ मैंने छोटे चम्मच से 4 चम्मच, और रीठा पाउडर ले रही हूँ मैं छोटे चम्मच से 3 चम्मच। इन दोनों को आपस में अच्छे से मिलाएंगे, और इसे हम जब लगाएंगे इसे पेस्ट बनाना पड़ेगा, है ना, ऐसे सूखा तो नहीं लगाएंगे। उसके लिए हम 2 चम्मच दही का यूज़ करेंगे और पानी का यूज़ करेंगे। आप पूरी पानी का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, पर दही बहुत ही अच्छा होता है हमारे हेयर के लिए। ठीक है, आपके हेयर को स्मूथ बना देगी और गंदगी को भी साफ कर देगी, स्कैल्प पे कोई गंदगी है, ऑयल है, सब रिमूव कर देगी। तो बस इन दोनों चीज़ों से हमें अच्छे से मिला लेना। आप चाहें तो चाय का जो पानी होता है ना आप वो ले सकते हो, बट ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम शैम्पू के लिए यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, कोई मास्क यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो इसको हम अच्छे से मिलाएंगे, इसको लगा लेंगे अच्छे से। लगाने के बाद देखिए, थोड़ा देर तो रुकना पड़ेगा, है ना, क्योंकि ये जो केमिकल वाली शैम्पू है वो तो नहीं है, ये नेचुरल है। तो इसको आप लगाने के बाद ना 15 मिनट रुकिएगा, उसके बाद नॉर्मल पानी से धो लीजिएगा। आप देखेंगे आपकी हेयर जितनी भी गंदी हो इतनी अच्छे से साफ़ हो जाएगी कि आप सोच नहीं सकते। मैं ये नवरात्रि में ही नहीं, मैं 16 डे की माँ लक्ष्मी की पूजा करती हूँ, जस्ट नवरात्रि के पहले ही वो ख़त्म होती है। 16 डे के आप समझ सकते हैं, 16 डे शैम्पू यूज़ ना करके रहना,
कितना मुश्किल होता है, बट मैं उस टाइम पे भी इसे ही यूज़ करती हूँ। नॉर्मल टाइम पे भी इसे मैं काफ़ी टाइम यूज़ करती हूँ, बहुत ही अच्छी रिजल्ट आती है। आपके स्कैल्प को साफ़ करने के साथ ही आपके बालों को चमक देती है, सिल्की बना देती है, साथ ही हेयर ग्रोथ को बढ़ा देती है ना। बहुत सारे अच्छे रिजल्ट्स हैं इसके दोस्तों, तो यूज़ करें और हैप्पी हैप्पी रहें और नवरात्रि को इन्जॉय करें। मिलती हूँ अगली वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।